हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुणे रेस की। 23 अगस्त की रेस है, पहली रेस 2:30 में, आखिरी रेस 5 बजे। ओवरऑल कार्ड की बात करूं तो यार, कार्ड ऐसा लग रहा है कि मतलब जो घोड़े हैं वो फेवरेट ही हो रखे हैं। तो या तो फेवरेट ही चला जाए या कुछ बहुत ज़्यादा उठा पटक हो सकती है कुछ रेसों में। मिनी कार्ड कह सकते हैं, 6 रेसों का मतलब 6 ही रेसें हैं टोटल। पहली रेस 1000 मीटर की है, टॉप हॉर्सेज डाउन फील्ड के हिसाब से मैं अगर बात करता हूँ तो एक नंबर है एडोनिस, एक टाइम पे 1000 मीटर किसी टाइम पे जीता हुआ है। अभी 1200 मीटर में चौथा हुआ था नाजिल के नीचे फ्रंट भाग के, और 3 नंबर का ड्रॉ है। सरप्राइज के हिसाब से देख सकते हैं लॉन्गर रोड में। और 2 नंबर है खाली सी, लास्ट टाइम भी कुछ इंसिडेंट हुआ है। टीएच जोधा बैठ गया, फ्रंट रनर है। दोनों बारी मतलब कि पहले क्लास 5 में फेवरेट था, फिर क्लास 4 में भी अगर मैं बात करता हूँ फ्लैशिंग फेमस के साथ में काफ़ी क्लोज फिनिश दिया है। टीएच जोधा बैठा दिया, बिल्कुल घोड़े का चांस बनता है। और 3 नंबर है मोमेंट ऑफ मैडनेस। ऑनरशिप अगर मैं बात करता हूँ, अशोक रैंपाइस जी का 2 नंबर भी है और 3 नंबर भी इन्हीं का है ऑनरशिप में, मिस्टर अशोक रैंपाइस। और 3 नंबर वुमेन ऑफ मैडनेस रेहन रेहान उल्ला खान और संदेश बैठा हुआ है। लास्ट टाइम जी पलाऊ के साथ में गुड सेकंड हुआ है, लग रहा था घोड़ा एक बार जीत ही गया। खैर, और ये दोनों यार ऑनरशिप सेम कनेक्शन दिख रहा है। 4 नंबर है मूनलाइट किस, फ्रंट रनर के हिसाब से 1400 भागा था लास्ट टाइम पे। शॉर्ट जाना है, एक बार ही 1000 मीटर में गुड सेकंड लगा हुआ है न्यू डायमेंशन के साथ में। तो यहाँ पे मुश्तके मालम के नीचे सरप्राइज देख सकते हैं। 7 नंबर है नीलिना नीरज रावल, 1200 मीटर में काफ़ी क्लोज फिनिश दिया है, जिपलोंग के साथ ही भागा था ये घोड़ा भी। तो यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूंगा, पिक मैं 2 नंबर खालिसी टीएस जोधा और 3 नंबर मोमेंट ऑफ मैडनेस ए संदेश। ये जो आवाज़ आ रही है, हमारे साथ एक बच्ची है वो लेटी हुई है, वो अपना खेल रही है, तो उसी की कुछ आवाज़ें अगर आपको आ रही है तो इंजॉय करें आवाज़ों को। मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ, बगल में लेटी हुई है। और सेकंड रेस में आ जाते हैं, सेकंड रेस 2000 मीटर की है, क्लास 3 की। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, 1 नंबर जायंट किंग ने 2000 मीटर में इस फील्ड में सभी को बीट किया हुआ है। बट अभी जो लास्ट लिया था 10 मतलब 11 घोड़ों में फ्रंट निकल के 7वां लगा है, तो द पैंथर के साथ में सारे घोड़े भागे हुए हैं ऑलमोस्ट 2 नंबर को छोड़ के। बिग रेड सेकंड लगा था द पैंथर के साथ में, चैट स्लो निकल के 11वां लगा था, एंजिलो थर्ड लगा था। तो और ये क्या नाम है इसका, 6 नंबर जराक छठा लगा था, ईटन स्क्वायर चौथा लगा था। तो सभी घोड़ों के साथ कुछ ना कुछ है। ईटन स्क्वायर की सैडल स्लिप सैडल डाउन हुई थी, विशाल बुंदे से नीरज रावल बैठ गया है। तो नायडू साहब के 1 नंबर और 7 नंबर तो नायडू साहब के हैं, तो ये तो मतलब ईटन स्क्वायर का चांस ज़्यादा दिख रहा है वैसे मुझे। बट मैं थोड़ा सा यार ट्रस्ट के हिसाब से पैसी साहब के घोड़े मुझे लगते हैं, तो मैं 5 नंबर पे जाना चाहूँगा, एंजेलो विवेक जी। मुझे लगा थोड़ा सा लेट गैलप हुआ है और स्ट्रेट जो था वो क्लियर नहीं हुआ है, विवेक जी बैठ गया है कीर्तिस भगत से। उम्मीद करते हैं बेटर रन देखने को मिले। यही घोड़ा है जिसने 1800 में जैंट किंग को बीट किया था बाद में। तो अब 2000 मीटर में जाना है, देखते हैं। तो सिंगल पिक एंजेलो विवेक जी। थर्ड रेस में आ जाते हैं, थर्ड रेस यहाँ पे सेकंड रेस भी बन टू की थी और थर्ड रेस भी बन टू की है, 1200 मीटर की है और क्लास 3 की। यहाँ पे 2 नंबर फाइटन वैसे सिंगल ही हॉर्स समझ आ रहा है, लास्ट टाइम अभी किश टॉफनी के साथ में फेवरेट होकर चौथा लगा था, कुछ इंसिडेंट हुआ है, पोर्टोफिनो बे के साथ में गुड सेकंड हुआ था। और लास्ट टाइम बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे घोड़े से, घोड़ा बाहर हो जाएगा। खैर, और स्टार रोमांस है ये घोड़ा, मेरे ख्याल से इस टाइम पे दीपेश नेडू या पता नहीं किसी के पास था। खैर, ये सरप्राइज आप देख सकते हैं, अभी 2 रन तो काफ़ी पीछे मतलब अगर मैं लास्ट 2 रन की बात करता हूँ कलकत्ता और पुणे में, दोनों बारी घोड़ा पीछे रहा है, बाकी फ्रंट निकल के सरप्राइज में पोटेंशियल है। मेडलेट स्प्रिंग अभी जीता है लास्ट टाइम 1000, और क्लास अप कर रहे हैं 4 से 3। एलोक्वेंट है नीरा रावल के नीचे, ये भी अभी जीता है, लॉर्ड वेडर सरप्राइज। बाकी कुछ है नहीं रेस में, बाकी 2 नंबर मुझे सिंगल ही पसंद आ रहा है, बुक के हिसाब से डे बेस भी दे रहे हैं, तो मेरा सिंगल पिक 2 नंबर ही रहेगा, फाइटन एनएस परमार। चौथी रेस में आ जाते हैं, चौथी रेस द टाइम्स ऑफ इंडिया है, 1600 मीटर क्लास 2 की है। और यहाँ पे भी ये 1-2 भी बैठे हैं, 7 घोड़े डाले हुए हैं, 7 घोड़ों में बड़ा टफ हो जाता है यार। 1 नंबर तिहानी, मेरे हिसाब से तो ये भी मतलब सेकंड डे बेस्ट में आप ले सकते हैं इस अक्षय कुमार के नीचे। अभी सेंटेसीमो के साथ में ग्रुप थर्ड हुआ है, बैंगलोर में कैसी साहब का सेंटेसीमो विवेक जी के नीचे जीता था, काफ़ी इंप्रेसिव विक्ट्री में।
200 मीटर एक्स्ट्रा जाना है, 60 से 59 kg जाना है। उम्मीद करते हैं जीते। एल्पाइन स्टार है और ये विंसेंट वैंगॉग, दोनों साथ में भागे हैं। एल्पाइन स्टार स्टार्ट टू फिनिश जीता है। विंसेंट वैंगॉग हैंग आउट हुआ था, गुड सेकंड हुआ है, संदेश से संदेश जा रहा है। और फ्लेमिंग लंबोर्गिनी है, अभी गुड थर्ड हुआ था, ये भी एल्पाइन स्टार के साथ में। फॉर्चून सन ये भी एल्पाइन स्टार के साथ में फ्रंट रनर अपसेट में। एल ग्रेको है, पैसी साहब का सकलेन बैठा दिया है। 1600 1600 ऊपर के रन अच्छे हैं यार घोड़े के ना। रेम्बलर सरप्राइज में आप, बाकी यार घोड़े ऐसे ही निकल रहे हैं, मैं क्या करूँ। सिंगल पिक मैं लेके चलूंगा 1 नंबर तेहानी अक्षय कुमार। उम्मीद करते हैं घोड़ा जीते। 5वीं रेस में मैंने टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड नहीं बनाया है क्योंकि काफ़ी घोड़े हैं यार, 14 15 घोड़े हैं। द हिंदू ट्रॉफी है 1200 मीटर की, और बाकी कुछ घोड़ों की मैं जरूर बात कर लूंगा। एलरिकस मोक दे रहे हैं घोड़े को मुस्तकीम आलम के पीछे, सरप्राइज आप देख सकते हैं ना। और यहाँ पे 5 नंबर विड्रॉन है, और ये क्या नाम है इसका, 10 नंबर इसकी वेलोसिटी सी एस जोधा के नीचे। लास्ट टाइम डॉ बाहर 14 नंबर का डॉ था 14 घोड़ों में, उसके बाद भी काफ़ी बढ़िया पिकअप कहते हैं लास्ट टाइम पे। गैलप लिया था, संदेश बैठा दिया है, बिल्कुल घोड़ा बनता है, अधिराज सिंह जोधा जी का है। और ओशियन है सी एस जोधा के नीचे, ये भी अधिराज सिंह जोधा जी का है, और ट्रैक भी ठीक जा रहा है। 10 नंबर के साथ में ट्रैक जा रहा है, और 10 नंबर वैसे तो बीट कर रहा है, बट डिस्टेंस यहाँ पे 1200 है। 14 नंबर है विंड डांसर अक्षय कुमार, और वॉच माई स्क्रिप्ट का बच्चा है, अगर याद हो तो आप लोगों को यार। सारी टर्म की रेस से भागा हुआ घोड़ा है, वॉच माई स्क्रिप्ट शायद महिंद्रा जी के पास था। तो ये पैडिग्री वाइज बढ़िया घोड़ा जा रहा है, ट्रैक भी ठीक जा रहा है। बाकी मेरे को यहाँ पे सिंगल पिक यार मैं 12 नंबर लेके चलूंगा दोनों ही, क्योंकि 10 नंबर भी अधिराज सिंह जोधा जी का ही है। 12 नंबर ओशियन मुझे थोड़ा ज़्यादा समझ आ रहा है सी एस जोधा के नीचे, और ड्रॉ थोड़ा सा जरूर वाइड है, बट उम्मीद करते हैं एक बेटर रन देखने को मिले। छठी रेस में भी अगर मैं बात करता हूँ, सारे के सारे घोड़े यार टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड में बन रहे हैं। द मिड डे ट्रॉफी है 1600 मीटर क्लास 4 की। पिक में 2 नंबर को लेके चलूंगा ट्रेट को, लास्ट टाइम विप लॉस हुई थी नीरज रावल से, नीरज रावल जा रहा है। उम्मीद करते हैं इस बारी कोई विप लॉस ना हो और 200 मीटर एक्स्ट्रा जाना है। घोड़ा जीते, पहले रन पे बहुत सुपीरियर जीता था, लॉन्गर रोड में जरूर जीता था, बट रन बहुत बढ़िया था यार, नाइट क्रूसेडा को बीट किया था। दूसरा घोड़ा यहाँ पे मैं पिक लेके चलूंगा 1 नंबर बुगाटी कृतिस भगत के नीचे। लास्ट टाइम जाइंट किंग के साथ में चौथा हुआ था। ट्रॉटेड इंसिडेंट पड़ा है मैंने कुछ, मतलब जब होता है ना जब चिल्लाते हैं लास्ट मोमेंट में, तो उस टाइम पे कुछ ट्रॉट हुआ है घोड़ा। और उम्मीद करते हैं कृतिस भगत के यहाँ पे एक बेटर रन देखने को मिले कृतिस भगत के नीचे। बाकी शायद घोड़े को मोक भी दे रहे हैं, और ट्रेट और बुगाटी में ही रेस मुझे समझ आ रही है। बाकी ये रस है लास्ट टाइम मतलब पैसी साहब के पास हुआ करता था किसी टाइम पे घोड़ा, ये भी बनता है, दास जनरल भी है, ठीक है, जो बीट करने के हिसाब से मुझे दिख रहे हैं। बाकी बस यार उम्मीद करते हैं पुणे आपको ये सिलेक्शन हेल्प दें पुणे की रेसों में। बाकी इसके बाद आप सभी से मिलते हैं यार, बेंगलोर की रेसें हैं तो बेंगलोर की रेस में मिलेंगे 24 तारीख को। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक के मेरे भाई को, बाय 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 बाय।